मनाली? यस श्रावणी, कोई डाउट यहाँ पे? कोई डाउट? ठीक है, तो आरबीसी न्यूक्लियोटिड है, अभी ई न्यूक्लियोटिड आरबीसी नहीं है, ये ओवल बाई कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर है ये उसका। न्यूक्लियोटिड आरबीसी रेनल पोर्टल सिस्टम रिड्यूस, डी ऑक्सीजनेटेड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड नॉट कंप्लीटली मिक्सड अप इन हर्ट ड्यू टू द पार्शियल पार्टीशन इन वेंट्रिकल, सो द पम्प्ड ब्लड हैव मेजर फंक्शन ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड। पम्प्ड ब्लड में मेजर फंक्शन, मेजर सॉरी फंक्शन पढ़ रही हूँ, फ्रैक्शन, मेजर फ्रैक्शन ज्यादा अमाउंट किसका रहेगा बेटा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड का। इज इट क्लियर? मतलब बॉडी की तरफ जाने वाला ब्लड कंपेयर टू एम्फीबिया मोर ऑक्सीजनेटेड होगा। स्ट्रक्चर की बात करें तो आई थिंक चैम्बर समझ में आ रहा होगा, फिर भी एक बार देख लो। ड्रॉ नहीं करना है बेटा ये सब आप लोगों को, बस समझने के लिए कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कहाँ है वेंट्रिकल मार्क करते हैं हम, जो हम लोग स्ट्रक्चर बना रहे थे, ए ए वी, यहाँ पे कैसा है? वी ऊपर दिया है, ए ए इस तरीके से। तो नाउ देखो, वेंट्रिकल दिख रहा है, पार्शियली डिवाइडेड है, तो कोई राइट और लेफ्ट की इसमें बात नहीं होगी। ये आपको वॉल दिख रही है, पार्शियली डिवाइड, कंप्लीटली डिवाइडेड है एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, और यहाँ से जब ब्लड ट्रांसफर होगा वेंट्रिकल में आएगा तो उसके मिक्सिंग के पहले ही वो पंप हो जाएगा बॉडी की तरफ। ठीक है, तो इसलिए बॉडी में जो ब्लड जाएगा उसमें मोर फ्रैक्शन किस चीज का होगा? ऑक्सीजन का होगा। बॉडी से जो ब्लड आता है उसमें मोर फ्रैक्शन किस उसमें किस चीज का होता है? फ्रैक्शनेटेड। मोर क्या, उसमें तो फ्रैक्शनेटेड ही सीओ टू का सीओ टू हाई होता है। ठीक है, फिर क्रोकोडाइल को हम देखें, राइट साइड वाली इमेज को देखें तो क्रोकोडाइल कैसा है? फोर चैम्बर्ड है हम लोग की तरफ, उसको पढ़ेंगे बाद में। नाउ अगेन कंपेयर कर लेते हैं एक बार, एम्फीबियन टर्टल बर्ड्स एंड मैमल्स। अब ध्यान से देखो बेटा, टर्टल मतलब रेप्टाइल, ठीक है, तो एम्फीबिया रेप्टाइल, बर्ड्स एंड मैमल्स। कंपैरिजन देखो, दिख रहा है हार्ट और लंग्स को लिया गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम को हार्ट से रिलेट किया गया। ठीक है, तो ये पार्सली सर्कुलेटरी सिस्टम है, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, और यहाँ पे अब जब आ जाएगा यहाँ पे ही बात करें, ये सब डेवलप्ड पॉइंट ऑफ व्यू से मोर डेवलप्ड डबल सर्कुलेटरी सिस्टम किसमें आ जाएगा? बर्ड्स और मैमल्स में। एकदम क्लियर? एक तरफ ब्लू ब्लड जाता हुआ दिख रहा है, एक तरफ रेड ब्लड दिख रहा है, और बहुत से लोगों को ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ही नहीं होती, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का कलर ब्लू समझते हैं, पर्पलिश कलर होगा ऐसा समझते हैं, एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड रेड कलर का होता है। ठीक है, इवन जब हम लोग छोटे थे, स्टूडेंट थे, तो हम भी यही समझते थे, इसलिए ये बहुत ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि हर जगह आपको इमेज में ऐसा ही दिखेगा, तो एक बैठ जाता है कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का कलर अलग होता है। तो चैम्बर को ध्यान से देखें, यहाँ पे क्या है बेटा? ऑरिकल। देखो एम्फीबिया में क्या था? दो ऑरिकल एक वेंट्रिकल, कोई सेप्टम नहीं, आके दोनों से मिक्स हो रहा था और बॉडी में जा रहा था। ठीक, फिर बॉडी से ऑरिकल में और लंग्स में, लंग्स से फिर ऑरिकल में, दूसरे ऑरिकल में आता था, लेफ्ट में राइट में, एंड देन आपका फ्रॉग की बॉडी में गया, बॉडी से फिर इधर, ये वाला मूवमेंट हो गया है। फिर यहाँ पे आप देख रहे हो एक सेप्टम आ गया, सेप्टम में हम क्या देख रहे हैं? बॉडी, बॉडी से ऑरिकल में गया, ऑरिकल से वेंट्रिकल में आ रहा है, एंड लंग्स से कहाँ आ रहा है? फिर ऑरिकल में आ रहा है, ऑरिकल से वेंट्रिकल में आ रहा है। अब इस जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सेप्टम इसकी मिक्सिंग कम हुई है, तो ये एक मिक्स्ड ब्लड तो दोनों में मिक्स है, लेकिन यहाँ पे आपको मोर अमाउंट रेड को देखो एक लाइनिंग से रिप्रेजेंट किया हुआ है, मतलब ये मिक्स है लेकिन इसमें ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा है। जैसे इधर पर्पल लाइन दिखाई गई है, मतलब ये यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का अमाउंट ज्यादा है। क्लियर? क्योंकि वो लंग्स में जा रहा है, लंग्स में ही तो ऑक्सीजन की सप्लाई उसमें मिक्स होगी। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे बहुत ही क्लियर है बर्ड्स और मैमल्स के केस में, आ रहा है जा रहा है प्योर, एक तरफ से हार्ट, हार्ट से लंग्स से प्योर होके हार्ट से बॉडी में, एंड बॉडी से इम्प्योर या कार्बन डाइऑक्साइड केयर को कैरी करने वाला ब्लड, फिर हार्ट में, हार्ट से वो लंग्स में जाएगा, लंग्स में उसमें ऑक्सीजनेटेड सीओ टू ट्रांसफर हो जाती है, बाहर आ जाएगी, इनहेल कर एक्सहेल कर देते हैं हम, और इनहेल कर रहे हैं ऑक्सीजन, वो फिर से ब्लड में मिक्स हो रही है और वो हार्ट के थ्रू फिर से बॉडी में जाएगी। ठीक है, तो
दोनों तीनों पंपिंग सिस्टम को ध्यान से देखो। जब से हार्ट आया है, जब से दिल बना है, उस दिल को बनने के बाद तीन चैम्बर, तीन एंड थ्री एंड हाफ चैम्बर एंड देन फोर, एकदम जिनका दिल बहुत ही स्ट्रांग होता है ह्यूमन बींग का, वो फोर चैम्बर्ड हार्ट बन गया। इज इट क्लियर? आगे चलते हैं नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में क्या ध्यान में रखना है हमें? क्रेनियल नर्व्स। फर्स्ट टाइम क्रेनियल नर्व्स क्या दिखेंगे हमें? 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स रिपोर्टेड इन रेप्टिलिया। नर्वस सिस्टम, 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स, डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग। अभी भी ईयर पिन्ना नहीं है, जिस तरीके से हम लोगों का है। टिम्पेनम रिप्रेजेंट्स ईयर। ईयर हैज सिंगल ऑडिटरी ओसाइकल। अंदर कितना नंबर ऑफ ओसाइकल्स? सिंगल है, वन है, ठीक है। जैसे हमारे में, हम लोगों में कितना है? थ्री है। जैकबसन ऑर्गन। अब जो क्वेश्चन बनता है रेप्टाइल्स के स्पेसिफिक फीचर वाला क्वेश्चन, जैसे प्लेटिहेलमिंथिस का फ्लेम सेल था, एनिलिडा का पैरापोडिया और सिटी था, ठीक है, मेलपिजियन तुम्हारा उसका ऑर्थोपोडा का था, इसी तरीके से रेप्टाइल का है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैकबसन ऑर्गन, ठीक। इसको बोलते हैं वोमेरो नेजल ऑर्गन। इट मीन्स इट इज रिलेटेड टू स्मेल। क्लियर? प्रेजेंट एट द रूफ ऑफ बक्कल कैविटी। रूफ ऑफ बक्कल कैविटी कैसे? जैसे अपने में समझना बक्कल कैविटी का रूफ, तो ये जो नाक के नीचे जो माउथ के तुम अपर पोर्शन देख रहे हो ना, रूफ, दैट इज द रूफ ऑफ बक्कल कैविटी फॉर स्मेल डिटेक्शन, ठीक है। फॉर होगा ये, फॉर स्मेल डिटेक्शन वेल डेवलप्ड इन स्नेक एंड लिजर्ड। अब आप देखो कि इनके अंदर स्मेल करने की कैपेसिटी आई होती है। भाई ये सांप आपको सुनाई नहीं देता है, वो जो नागिन बीन डांस वाला, मतलब ये पूरी थ्योरी ना, तुम अब ये नहीं बोलना कि इच्छाधारी नागिन किस फाइलम में आ जाए, किस क्लास में आएगा, तो वो ऐसा कुछ होता ही नहीं है, उसको वो कहाँ आएगा ही नहीं पता। तो वो जो नागिन बीन, वो सब वाइब्रेशन का होता है और वो देख के उसको मूवमेंट को शो करता है। ऐसा कुछ नहीं है कि कहीं बीन बन रहा है, बज रहे हैं, तो वो वहां से नाग निकल के सब एक्यूमुलेट होकर डांस करने लगेंगे, ऐसा कुछ होता नहीं है थियोरेटिकली। दैट इज ऑल अबाउट देयर वाइब्रेशन, वाइब्रेशन जो वो सेंस करते हैं उसकी वजह से। लेकिन स्मेल डिटेक्शन का काफी ज्यादा हाई होता है इनमें। द ऑल्फैक्टरी सैक्स कम्युनिकेट विद द एंटीरियर पार्ट ऑफ बक्कोफेरेंजियल कैविटी बाय इंटरनल नेयर्स। ऑल्फैक्टरी सैक, बक्कोफेरेंजियल कैविटी। अब ये हम लोग जैसे ईएनटी डॉक्टर को हम लोग दिखाने जाते हैं ना, तो वो एक पूरा इस पोर्शन को ही देखता है, उसी तरीके से अब ये एक एसोसिएशन स्टार्ट हो गया है, सुनने की, खाने की और देखने की, ये सारी चीजें आपस में रिलेटेड हो रही हैं। समझ में आ रहा है बेटा? और नर्वस सिस्टम वेल डेवलप्ड है, तो वो जो सेंस कर रहा है, जो उसने स्मेल को सेंस की, उसके अकॉर्डिंग वो क्या रिस्पॉन्स करेगा, ये उसका ब्रेन ब्रेन तक सिग्नल जाएगा, और ब्रेन से जो उसको इनपुट सिग्नल आएगा उसके अकॉर्डिंग वो रिस्पॉन्स कर देगा। तो इंपॉर्टेंट है, नोट नोट डाउन कर लेना, जैकबसन ऑर्गन, ठीक है। स्पेसिफिक फीचर है रेप्टाइल्स का एंड इट इज रिलेटेड टू ऑल्फैक्टरी स्मेल। ऑल्फेक्शन इज रिलेटेड टू स्मेल, ठीक है बेटा। नर्वस सिस्टम वेल डेवलप है, तो वो उसको सेंस करके, सिग्नल सेंस करके ट्रांसफर कर देगा ब्रेन को, और ब्रेन उसके ब्रेन के अकॉर्डिंग वो उसके बाद कहें तो एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। जैसे देखो थोड़ा सा यहाँ पे बता दे, कोई तुमने वो देखी हो हॉलीवुड की कोई मूवी? मेरे को बहुत याद नहीं रहता ये सब चीज, इसलिए मैं रेफरेंस में इतना देती नहीं हूँ तुमको। लाइव एक्सपेरिमेंट ज्यादा मुझे ध्यान में रहता है। तो हॉलीवुड की मूवी देखो तो कभी देखो कि किसी का, किसी ऐसे इंसान को दिखाता है जो कि ऑलरेडी इंजर्ड हो, तो उसका ब्लड बहुत स्लो मोशन में दिखाएगा, ब्लड गया मिक्स हुआ वाटर में, ठीक है। तो ब्लड की वो स्मेल मिक्स हुई वाटर में पहुंची, और तुरंत कोई, चाहे वो शार्क मछली पे दिखा रहा हो या एनाकोंडा में दिखा रहा हो, वो उसकी तरफ रोटेट करेगा और अटैक करता है। वहां पे क्या फिनोमिना हुआ? यही हुआ, स्मेल, वो बहुत तेज, उनकी जो गंध, जो स्मेल कैपेसिटी है दैट इज हाई, तो वो उसके अकॉर्डिंग फिर एग्जीक्यूट कर जाते हैं, वो अटैक कर लेते हैं, उनको पता चल जाता है इस एरिया में ये पर्टिकुलर चीज प्रेजेंट। समझ में आया बेटा? ऑल्फैक्ट्री बल्ब, ऑल्फैक्शन से रिलेटेड जैकब ऑर्गन हो गया। नाउ एक्सक्रीटरी सिस्टम को देखें। फर्स्ट टाइम मेटानेफ्रिक किडनी आ गई। मेसोनेफ्रिक से अब हम जंप कर चुके हैं मेटानेफ्रिक में। मेटानेफ्रिक किडनी मतलब बहुत हम लोगों के नियर बाई है अभी। यूरिकोटेलिक एनिमल्स,
जो एक्सक्रीटरी मटेरियल होगा वो क्या है, यूरिया नहीं है, ठीक है, क्या है, यूरिक एसिड, यूरियोटेलिक एंड यूरिकोटेलिक डिफरेंट है, अमोनोटेलिक अमोनिया, यूरियोटेलिक यूरिया, यूरिकोटेलिक यूरिक एसिड, यूरिनरी ब्लैडर में प्रेजेंट, यूरिनरी ब्लैडर हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, मोस्टली होगा। रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी अब हम लोग बहुत टाइम से डायोसिस पे आ चुके हैं, सेक्सेस सेपरेट है, डायोसिस है, मेल और गैमेट, फीमेल गैमेट अलग अलग बॉडी में फॉर्म हो रहा है, वहां पे या तो एक्सटर्नल होगा या तो इंटरनल रिप्रोडक्शन होगा, ये हम पढ़ रहे हैं। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कॉपुलेटरी ऑर्गन की बात आ रही है, ठीक है, पाइसेस में मैंने बताया था कॉपुलेटरी ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं किसमें, कॉन्ड्रेक्टिस में या बोनिफिसेस में, ऑस्ट्रिक्टिस में या कॉन्ड्रेक्टिस में, और उस कॉपुलेटरी ऑर्गन का नेम भी बताओ, व्हाट इज द नेम ऑफ कॉपुलेटरी ऑर्गन प्रेजेंट इन पाइसेस, फिसेस में कॉपुलेटरी ऑर्गन प्रेजेंट था उसका नाम, रिप्लाई करते रहो सुनते भी रहो। मेल यूजुअली हैव अ मस्कुलर कॉपुलेटरी ऑर्गन, कॉपुलेटरी मतलब जो ऑर्गन कॉपुलेशन में हेल्प करेगा, अब ऑर्गन है तो इट मींस कि इट इज रिलेटेड टू इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है, मेल कॉपुलेट करेगा फीमेल के साथ और वो उसमें इंसेमिनेशन की प्रोसेस होगी, उसका सीमेन रिलीज होगा, तो ऑब्वियसली फिर वहां पे फर्टिलाइजेशन इंटरनली होगा, गोनोडक्ट डक्ट लीड इनटू क्लोइका, क्लोइका प्रेजेंट थी तो ओपनिंग कहाँ होगी इसकी, क्लोइकल में, चैम्बर में होगी, और क्लोइकल से क्लोइका के थ्रू वो एक्सटर्नली रिलीज हो जाएगा। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा मोस्टली ओविपेरस, एग लेस करेंगे, ठीक है, एग ही तो एडॉप्टेशन है एम्फीबिया से, मेन एडॉप्टेशन जो है, जो वाटर की रिक्वायरमेंट इनको नहीं है वो एग है, यहाँ पे एग के अंदर योक का अमाउंट बहुत हाई होगा, इसको बोलते हैं मैक्रोलिसिथल एग, ठीक है, अब ये सब भी हम लोग बात करेंगे रिप्रोडक्टिव चैप्टर में डिटेल में। योक, योक पता है, येलो पोर्शन पता है, मुर्गी का अंडा तो सबने देखा होगा, मुर्गी के अंडे में जो योक येलो वाला पोर्शन है दैट इज योक, योक का अमाउंट ज्यादा है उसको बोलते हैं मैक्रो, मैक्रो मतलब मेजर, क्लास्परिन कॉन्वेक्टिव, यस बेटा, ठीक है, करेक्ट है, क्लास्पर था मेल पॉपुलेटरी ऑर्गन, कॉन्ड्रेक्टिस फिसेस में रिपोर्टेड था, बोनिफिसेस में, ऑस्ट्रिक्टिस में नहीं था, एंड जब रहेगा तो वहां पे रिप्रोडक्शन जो होगा या फर्टिलाइजेशन जो होगा दैट विल बी इंटरनल। मैक्रोलिसिथल मीन्स योक का कंटेंट ज्यादा है, अब वो जैसे प्लेसेंटा नरिश कर रहा है, विविपेरी में प्लेसेंटा नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, या सिंपल अभी इतना समझ लो यूट्रस के अंदर बेबी ग्रो कर रहा है, तो वहां पे उसको पूरा एक सिस्टम दिया गया, अब वो यूट्रस तो है नहीं, वो फीमेल रोज खा रही है और नरिशमेंट वहां तक पहुंच रहा है फीटस तक डेवलपमेंट के पास, तो वो चीज यहाँ पे नहीं है, डेवलपमेंट जो है वो एक्सटर्नली हो रहा है, एग का एग लेस किया है, ओविपेरस है, तो अब एग के अंदर ही डेवलपमेंट होगा, इट मीन्स कि उस जो एग जो व्हाइट कलर की तुम्हें शेल दिख रही है उस शेल के अंदर इतना वाटर कंटेंट और इतना न्यूट्रिएंट मीडियम प्रेजेंट होना चाहिए कि वो उसको डेवलपमेंट में हेल्प करे, ये तो कॉमन सी चीज है, दिमाग में एकदम आ जानी चाहिए, क्लियर है बेटा, तो जो कि इनका एडॉप्टेशन है तो वहां पे एग जो है इनका वेल डेवलप्ड, उसमें योक प्रेजेंट होती है, उसमें एमनियॉन लेयर, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में हम पढ़ाएंगे एमनियॉन प्लूरॉन ये सब लेयर होती है, वो पूरी तरीके से प्रोटेक्टिव और नरिशमेंट को प्रोवाइड करेंगे और फिर वो डेवलप हो जाएगा एडल्ट में, तो मैक्रोलिसिथल एग है, एंड क्लेडोइक एग मतलब एग के चारों तरफ स्लाइमी लेयर नहीं प्रेजेंट है, एक शेल प्रेजेंट है, एक हार्ड शेल प्रेजेंट होगी, इज इट क्लियर बेटा, ठीक है, हार्ड शेल प्रेजेंट होगा। डायरेक्ट डेवलपमेंट, डेवलपमेंट क्या है, डायरेक्ट कोई मेटामॉर्फोसिस नहीं, कोई लार्वा नहीं, बहुत टाइम के बाद आया डायरेक्ट डेवलपमेंट, लार्वा के नाम याद कर करके नोट्स भर रहे होंगे, ठीक है, नो मेटामॉर्फोसिस, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोई पेरेंटल केयर नहीं है, अगेन एक मिथ, जो सांप को लेके मिथ बहुत है, ठीक है, कि अगर सांप को मारा तो 20 साल बाद बदला लेने आएगा सांप, ठीक है, नाग को मारा तो नागिन बदला लेगी, ये सब मिथ है बेटा, ये सब कहानियों में अच्छा लगता है, ऐसा कुछ इनका क्या आता है एक डिस्क्लेमर, इनका सत्य घटनाओं पे आधारित नहीं है, इस तरीके का हम लोग पढ़ते हैं ना डिस्क्लेमर, ऐसा ना कोई इच्छाधारी नाग नागिन जैसी चीजें होती है, तो
नहीं ऐसा कुछ होता है कि वहां पे पेरेंटल केयर ही नहीं है, वो अपने एग को डेवलप होने तक एग के आसपास नहीं रह पाएंगे, रहते ही नहीं है, वो अपने रास्ते चल देते हैं, तो डेट इज नो पेरेंटल केयर। नो पेरेंटल केयर रिपोर्टेड इन रेप्टिलिया, नो मेटामॉर्फोसिस, कोई लार्वा चेंज नहीं है, कोई इनको एग हैचलिंग नहीं करनी है, ठीक है। ये आपको दिख रहा है, ये लिजर्ट का है आई थिंक, ठीक है। तो कैल्केरियस सेल जो है उसको ब्रेक डाउन करके वो बाहर आ रहा है, तो जब तक इसका डेवलप नहीं हुआ, डेवलपमेंट नहीं हुआ, अंदर पूरा एमनियन फ्लूड वगैरह प्रेजेंट है, जो तुम ऑमलेट बनाने में यूज करते हो ना, वही सब चीजें इनकी न्यूट्रिएंट मटेरियल होता है, ठीक है। ये भी आप देख रहे हो, एक लेजर्ड ग्रो कर रहा है, या इट मे बी क्रोकोडाइल, नहीं इट इज लेजर्ड, ठीक है। तो इसके अंदर आपको दिख रहा है प्रॉपर सप्लाई है, न्यूट्रिएंट है, वाटर है, कोई डेहिसेंस वाली चांस ही नहीं है कि इसके डेवलप होने के पहले ये अंदर से सूख जाए, क्योंकि बाहर इसके हार्ड शेल प्रेजेंट है। एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन कॉल्ड एमनियन एंड कोरियन आर फॉर्म ड्यूरिंग डेवलपमेंट, एमनियोटिक एग बोलते हैं ऐसे केस में, ठीक है। और ये एमनियन, जब हम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पढ़ाएंगे रिप्रोडक्शन में, वहां हम लोग पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट और नोट कर लो, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं, अभी भी इन्वायरमेंट के टेम्परेचर का इनको इफेक्ट होगा। जैसे डेजर्ट की बात करें, अगर हम डेजर्ट रेप्टाइल्स की बात करें, या एक लाइन सुनो तुम लोग की, जो कहते हैं कि मरुस्थल रात में जिंदा होता है, मतलब इट इज वेरी हार्ड टू ट्रेवल इन नाइट डेजर्ट में, रात के टाइम में ट्रेवल करना ज्यादा खतरनाक है, वहां पे अटैकिंग हुई, ऐसे जो एनिमल्स है वो रात में निकलते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दिन में बहुत टेम्परेचर हाई रहता है, तो ऑब्वियसली वहां गर्मी ज्यादा है, रेत जल रही है, तो वो नीचे बिल बिल बना के उनके अंदर पूरा दिन भर आराम करते हैं और रात में वो निकलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली नॉक्टर्नल होते हैं। तो पॉइक्लोथर्मिक है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के टेम्परेचर से इंटरनल मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट पड़ेगा, इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को इफेक्ट पड़ेगा। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं, अबेंडेंटली प्रेजेंट इन ट्रॉपिक एरिया में प्रेजेंट होते हैं, फेवर इन टेम्परेट रीजन, टेम्परेट रीजन में कम है लेकिन प्रेजेंट होते हैं, नॉट प्रेजेंट इन आर्कटिक एंड अंटार्कटिक रीजन, आर्कटिक और अंटार्कटिक जोन में ये नहीं मिलेंगे। अराउंड 71,000 स्पीसीज रिपोर्टेड है, मोस्टली कार्निवोरस है, और कार्निवोरस में भी किस पे फीड करते हैं, इंसेक्टिवोरस पे, ठीक है। ह्यूमन को डस्ट जरूर लेते हैं, लेकिन आप पाइथन को छोड़ दें तो बाकी वो ऐसा कोई नहीं है कि जो ह्यूमन को खाने बैठ जाएगा, ठीक है। तो खाते इंसेक्ट ही हैं, बट तो मोस्टली कार्निवोरस, एंड कार्निवोरस में भी क्या है, इंसेक्टिवोरस है। ओनली टॉर्टोइज आर हर्बल हर्बीवोरस, ठीक है। टॉर्टोइज टर्टल ये क्या होंगे, हर्बीवोरस होंगे, बाकी सारे के सारे रेप्टाइल्स जो है वो क्या है, कार्निवोरस है। बॉडी फॉर्म रिपीट हो गया, नो नो इट वॉज मिथ इन केस, बाकी कोई नहीं बेटा मिथ नहीं है। अजगर जो होते हैं वो एक्चुअली इनगल्फ करते हैं, और उसके बाद वो बहुत आराम से बैठते हैं, जो पाइथन, बड़े बड़े पाइथन देखते हैं ना, कभी यहाँ मिला तो वो फिर आराम से, वो उसके बाद वो मूवमेंट नहीं कर पाते हैं, इसलिए कुछ केसेस आप ऐसे अभी सब में जाना मत, नहीं तो ये बहुत टाइम टेकन होता है। मैं बहुत बचपन में ये सब क्योंकि हम लोगों के टाइम में नेट वेट का रिसोर्स नहीं था, तो मैं कटिंग, एक्चुअली मेरे जो डरने की कैपेसिटी आई है वो यहीं से आई है, मेरे गांव की तरफ बहुत सांप थे, मैं जहाँ रहती थी शहर में, पापा जहाँ जॉब करते थे एरिगेशन सिंचाई विभाग में थे, तो वहां पे एक ऐसा, वो जंगल वाले थोड़े एरिया थे, बहुत फ्रिक्वेंटली स्नेक वहां पे निकल जाते थे, ठीक है। इस तरीके का टेम्परेचर वहां का क्लाइमेट था, तो कभी कहीं नाग दिख रहा है, कभी कहीं नागिन दिख रही है, ठीक है। कभी हम लोगों ने मैंने भी देखा है, बेसिकली कपल भी देखा है मैंने, नाग और नागिन का, और वो जो प्रॉपर डांसिंग उनका होता है वो चीज देखा हुआ है, लेकिन वो ऐसा नहीं कि वो रूप बदल देंगे अभी और वहाँ हीरो हीरोइन आ जाएंगे, वो इच्छाधारी वाला नहीं है। तो मुझे भी क्यूरियोसिटी होती थी उस वक्त, नागिन निगाहें इस तरीके की पिक्चर DD1 पे आती थी, तो मुझे बहुत क्यूरियोसिटी थी इसके बारे में, तो मैं पेपर्स की कटिंग रखती थी, पेपर्स लाइब्रेरी में कोई ऐसा रिसोर्स मिल गया, और ये बहुत छोटे की बात, मतलब 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th ये वाले एरा की बात है, और एक लंबा टाइम रहा, तो फिर वो जो डर बैठ गया ना, वो बहुत भयंकर वाला डर बैठा है। और आज की डेट में तो तुम लोग को पता है मेरा घर यहाँ पे भी 3rd फ्लोर में है, तो मैं ऊंचाई पे ही रहना प्रिफर करती हूँ, तो मुझे एक्चुअली डर लगता है बहुत सांपों से, और ऐसा डर है कि मतलब ये सब एक्चुअली मिथ ही है, लेकिन जब बहुत ज्यादा कोई चीज को सोचो वो हो जाता है। तो मैं अगर बहुत ज्यादा सोचती हूँ, जैसे अगर मैं आज ये तुम लोग को पढ़ा रही हूँ, तो ऑब्वियसली अगले 2-3 रात तक तो मैं सोने वाली नहीं हूँ, मतलब मुझे नींद नहीं आएगी, मैं लाइट जलाऊंगी, और
एक वॉच रहेगा, हर वक्त दिमाग में सांप 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 चलता रहेगा, उस तरीके का डर। तो एक एक बैठ जाता है, ठीक है, तो क्या पता क्या रही थी मैं, हाँ, कि अजगर जो है, एक्चुअली जो अजगर होता है या पाइथन होता है वो इंजेस्ट करता है, ठीक है, वो लेगा फूड की तरह, कैप्चर करेगा ह्यूमन को, उसके बाद वो मूवमेंट शो नहीं करेगा। तो इस प्रोसेस में क्या होता है ना कि अगर इस या यू कैन से स्नैकोफोबिया, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि अगर तुरंत कई गांव वाले या कोई जिन्होंने देख लिया कि इस तरीके का उसका फूला हुआ है और उसको कट कर दे, क्योंकि वो अटैक नहीं कर सकता जब तक वो डाइजेस्ट नहीं होगा, वो नॉर्मल नहीं आएगा, उतना बड़ा ह्यूमन बींग उसके बॉडी के अंदर जा चुका है, तो उसको कट कर दे। तो कभी कभी जिंदा आदमी फिर से अजगर के अंदर से, पाइथन के अंदर से निकाले भी गए हैं, इस तरीके के भी केसेस रिपोर्टेड हैं। हाँ, वो ह्यूमन जिंदा रहेंगे फिर, अब वो डिपेंड है कि कितना उनका एंजाइमेटिक रिएक्शन हो गया और क्या हुआ है, तो इस तरीके के भी केस दिखे हुए। तो वो तो जो पहले की सारी स्लाइड्स हैं बेटा, वो स्लाइड्स हैं, नोट्स आप यहाँ से बना लोगे, सारे पॉइंट यहाँ पे कवर्ड हैं। फिर कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं, एग्जाम्पल को ध्यान में देखोगे, जैसे ये देखा जैकबसन, ये सारे पॉइंट जो बोल्ड में किए हुए हैं ये सब अपने कवर हो गए हैं, ठीक। ये एमनियन, कोरियन, एलांटेस, इसको नोट डाउन करके जरूर रख लोगे, क्योंकि जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट आप पढ़ते हो तो सबको कोरिलेट करना पड़ता है आपस में, ठीक। फिर ये आपको एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, तो जस्ट मॉड्यूल में भी होंगे, वहां से मार्क कर लो या बैठ के नोट डाउन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी स्पीसीज से, रेट इन क्वेश्चन का जरूर कम हो गया है, लेकिन हम डिनाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि लास्ट 10 ईयर्स में पूछे गए, तो कब कहाँ से क्वेश्चन आ जाए, तो ये थोड़े से एक्स्ट्रा प्रिपरेशन वाली चीज है, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया अपना रेप्टाइल्स, कलेव्स दिखेंगे मतलब बर्ड्स को देखेंगे, और एक बार इसमें कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने जैसा होगा तो कल ही कर लेंगे उसको। एंड कर रहे हैं हम लेक्चर, फटाफट से इसको रिवाइज कर लेना, और एग्जाम्पल में सॉरी एग्जाम में हम ऐसे ही क्वेश्चन पूछेंगे जो मैंने बताया। जैसे अब मैं यहाँ पे तुम्हें क्या एम्फेसाइज करके बता रही हूँ कि जैकब्स ऑर्गन, तो ऑब्वियसली मैं ये पूछूंगी जैकब्स ऑर्गन, फर्स्ट टाइम मेटानेफ्रिक किडनी रिपोर्टेड, तो इस तरीके के क्वेश्चन, एक्सक्रीटरी सिस्टम इज यूरिकोटेलिक, तो ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एग शेक इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके लिए ये तुम ब्लेम नहीं कर सकते हो कि, या करना नहीं चाहिए, करने को कर सकते हो कि मैम ये तो बहुत लास्ट में पढ़ाया गया और टेस्ट है। मैं जनरली टेस्ट ऐसा लेती हूँ जिसमें कंटेंट पहले डिलीवर हो रखा हो, लेकिन अभी अभी हम लोगों ने टेस्ट दिया है, कंटेंट है नहीं, बार बार एनिमल किंगडम दे चुके हो, 2 बार हो चुका, तो उधर के कंटेंट में जाने से अच्छा है कॉर डेटा पे फोकस करो, रिवाइज करो, पॉइंट को देखो और टेस्ट दो, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, गुड डे, एंड कर रहे बेटा लेक्चर।